हेलो फ्रेंड्स, दिस इज निकिता और साल 2019 में अपने देश के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने पूरे मीडिया के सामने ये कहा कि पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर इंडिया का ही एक पार्ट है और एक दिन हम उस पे फिर अपना राज करके ही रहेंगे। पीओके इज पार्ट ऑफ इंडिया एंड वी विल हैव द ज्यूरिसडिक्शन, फिजिकल ज्यूरिसडिक्शन ओवर। बट एक मिनट, क्या इंडिया पीओके को एनेक्स करने की, उस पर कब्जा करने की ताकत रखता भी है? यहाँ हमारे आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावल ये साफ साफ कह रहे हैं कि इंडियन आर्मी तो सदा तैयार है पीओके को वापस लाने के लिए। जिस तरह से सरकार निर्देश देगी, उस तरह के अन्य संस्थाएं जो देश में हैं जिनको कार्रवाई करनी है वो आगे कार्रवाई करेंगे। सर, सेना हमारी तैयार है? सेना तो सदा तैयार रहती है हर एक कार्रवाई के लिए। लेकिन एक और मिनट, क्या आपको वाकई में ऐसा लगता है कि हमारी पीओके को वापस लाने की लड़ाई सिर्फ पाकिस्तान से है? वेल, डिड यू नो, एडवोकेट अमन हिंगुरानी के मुताबिक पीओके ब्रिटिशर्स ने अपने फायदे के लिए ही बनाया था ताकि ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ से जाने के बाद भी इंडिया पर काबू रख सके। द ब्रिटिश हैड डिसाइडेड टू पार्टीशन द सबकॉन्टिनेंट फॉर देयर ओन इंटरेस्ट। प्लस डिड यू ऑल्सो नो कि आज भी हमारे कश्मीर में सिर्फ पीओके ही नहीं बल्कि चाइनीज ऑक्यूपाइड कश्मीर भी है। आई नो राइट, सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा और इतने सारे दावेदार। सो अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि क्या इन सब के होते हुए भी इंडिया पीओके पर कब्जा कर पाएगा, और अगर हाँ तो इंडिया के ऐसे कौन से स्ट्रेटेजीज हो सकते हैं? लेट्स फाइंड आउट। अब फ्लोनर्स, सबसे पहली सोचने वाली बात तो ये है कि अगर ये पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है तो फिर ये इंडिया को क्यों चाहिए? वेल, क्योंकि ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो नाम से ही मालूम पड़ता है कि ये पाकिस्तान ने कब्जा करके लिया है। सो वेल, दरअसल अक्टूबर 26, 1947 में जम्मू एंड कश्मीर के महाराज हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के जरिए इंडिया के साथ शामिल होने का एक फैसला लिया था। बट यहाँ पर ये होता, इसके पहले ही पश्तून ट्राइब्स ने पाकिस्तानी सैनिकों की मदद से जम्मू एंड कश्मीर के कुछ हिस्से पर अपना पूरा कब्जा कर लिया और इंडिया और पाकिस्तान के बीच जंग का माहौल छा गया था। और फिर यूनाइटेड नेशन ने रेजोल्यूशन 47 को पास किया जिसमें क्लियरली लिखा हुआ था कि पाकिस्तान को कब्जा किए हुए एरिया से अपनी आर्मी को हटाना हो और पीओके के उस एरिया में वोटिंग होगी। वहां रहने वाले लोग ये खुद ही डिसाइड करेंगे कि उन्हें कौन से देश में रहना है। लेकिन ऑफ कोर्स पाकिस्तान ने अपने सैनिक कभी वापस लिए ही नहीं और पीओके की ये समस्या आज तक जारी है। लेकिन इसके अलावा इस आग में और ज्यादा घी डालने के लिए पाकिस्तान ने 1963 में ही पीओके का एक रीजन, शख्सगम ट्रैक रीजन, चाइना को गिफ्ट कर दिया अपनी दोस्ती चाइना के साथ बढ़ाने के लिए, और जो माइंड यू आज तक चाइना के पास ही है। मतलब हमारे पीओके में एक सीओके आज भी है, चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर। सो वेल, क्या अब हम पीओके प्लस सीओके पर रातों रात कब्जा कर पाएंगे? अगर हाँ तो इस चीज के लिए इंडिया क्या क्या स्ट्रेटेजीज अपना सकता है? वेल, स्ट्रेटेजी नंबर वन है कन्वेंशनल वॉर। यू कैन डू वन मुंबई, यू मे लूज बलूचिस्तान। ये है हमारे इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल, जो ये साफ साफ धमकी दे रहे हैं पाकिस्तान को कि अगर आप फिर से एक बार मुंबई जैसा हमला करते हो इंडिया में तो पाकिस्तान अपना बलूचिस्तान खो देगा। लेकिन यार, कन्वेंशनल वॉर पे जाने से एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम हम लोग फेस कर सकते हैं, जो कि है एक न्यूक्लियर वॉर। देखो, अगर इंडिया ऐसा कोई वॉर करता भी है तो उसे एक दो तरफा वॉर करना होगा, क्योंकि पाकिस्तान का जिगरी दोस्त और पीओके में बसने वाला चाइना भी तो इंडिया पर जंग छेड़ देगा। अब इंडिया पाकिस्तान दोनों ही न्यूक्लियर वेपन वाले कंट्रीज हैं, तो अगर हम एक कन्वेंशनल वॉर करते हैं तो ये एक न्यूक्लियर वॉर में तब्दील हो सकता है, इसके बहुत चांसेस है। और इसके अलावा पाकिस्तान प्लस चाइना दोनों के साथ एक बार में इंडिया ये जंग नहीं जीत पाएगा, और इसीलिए हम आजमाएंगे एक शांतिपूर्ण तरीका जिसमें बातचीत करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। विच ब्रिंग्स अस टू आवर स्ट्रेटजी नंबर टू, डिप्लोमेसी। अब देखो, पिछले 73 सालों से हम इसी हथियार का यूज करते आए हैं। डिप्लोमेसी में दोनों देश मिलकर अपने संबंधों को बनाए रखने के लिए बातचीत के जरिए एक नतीजे पर आकर उसको फॉलो करते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम तब आती है जब आपका पड़ोसी पाकिस्तान हो। पाकिस्तान ने अनगिनत बार बातचीत के समय इंडिया से कुछ और बात की है और बाद में जाके एक्शन कुछ और ही लिए है। एग्जाम्पल नंबर वन, कारगिल वॉर। 19 फरवरी 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी बस से पाकिस्तान गए और पीएम नवाज शरीफ से गले भी मिले, लेकिन इतनी दोस्ती यारी दिखाने का इंडिया को क्या सिला मिला? उसके बस 3 ही महीने बाद 3 मई 1999 को पाकिस्तानी सैनिकों का कारगिल में अतिक्रमण, इंट्रूजन। एग्जाम्पल नंबर टू, सीज फायर एग्रीमेंट 2003। पाकिस्तान ने 2006 से लेकर 2021 तक 14,000 से भी ज्यादा बार सीज फायर एग्रीमेंट का क्लियर कट उल्लंघन किया है। एग्जाम्पल नंबर थ्री, गिलगिट बल्टिस्तान, द न्यू फिफ्थ प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने ये क्लियर कट ऐलान कर दिया कि वो गिलगिट बल्टिस्तान को अपना फिफ्थ प्रोविंस बनाएंगे।
पर यह ऐलान कराची और शिमला एग्रीमेंट का उल्लंघन करता है। अब इससे ये बात क्लियरली साबित हो जाती है कि आप इस इशू को एटलीस्ट बातचीत से सॉल्व नहीं कर सकते हो। इसलिए हम आते हैं हमारे स्ट्रेटेजी नंबर 3 पे, शॉर्ट वॉर। इंडिया ने आज तक 3 शॉर्ट वॉर्स की है। वॉर नंबर 1 1999 का कारगिल वॉर जो इंडिया जीता। वॉर नंबर 2 1965 का इंडिया पाक वॉर जो भी इंडिया ही जीता। सो अब अगर पास्ट को देखें तो अच्छे खासे चांसेस है कि हम अगर पाक के साथ एक वॉर करेंगे तो हम ही जीतेंगे। लेकिन वेट, इंडिया ने एक थर्ड वॉर भी किया है, द इंडो साइनो वॉर 1962, जो भारत हार गया था। और अब क्योंकि पीओके इक्वल्स टू पीओके प्लस सीओके, इसलिए अब ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि अगर चाइना पाकिस्तान के खिलाफ एक शॉर्ट वॉर इंडिया करता भी है तो हो सकता है चाइना के आने से ये वॉर इंडिया नहीं जीत पाएगा। बट यार अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि एक वॉर करके भी एक कंट्री काफी सारे लॉसेस फेस करती है, लॉस ऑफ मैन फोर्स बोथ मिलिट्री एंड सिविलियंस, प्लस तीनों देशों की इकोनॉमी भी। सो इसीलिए इन सारे डिसएडवांटेजेस को दूर करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे हमारा नेक्स्ट प्लान, जो बहुत ज्यादा मशहूर है और उसके ऊपर तक फिल्म भी बन चुकी है। प्लान नंबर 4, सर्जिकल स्ट्राइक। अटैक नंबर 1, उरी। उरी में एक सक्सेसफुल सर्जिकल स्ट्राइक होने के पीछे 15 मंथ्स की प्लानिंग थी। अटैक नंबर 2, बालाकोट एयर स्ट्राइक। इंडिया ने पाकिस्तान में बसे हुए जैश ए मोहम्मद के सबसे बड़े टेररिस्ट कैंप पर एयर स्ट्राइक किया और ये इंडिया का एक जवाब था पुलवामा अटैक करवाने के लिए। अब सर्जिकल स्ट्राइक का फायदा ये होता है कि ऐसे वॉरफेयर में दूसरा साइड जब तक काउंटर अटैक करने का प्लान करता है तब तक में तो पूरी तबाही मच चुकी होती है। लेकिन पीओके को ऐसे कैप्चर करने में हमें जो प्रॉब्लम आएगी वो है पीओके की ज्योग्राफी। देखो, पीओके दो हिस्सों में बटा हुआ है, पाकिस्तान कंट्रोल कश्मीर और गिलगित बल्टिस्तान आजाद कश्मीर। अब इसमें से गिलगित बल्टिस्तान तो पूरा पहाड़ी इलाकों में बसा हुआ है जहाँ पर 7000 मीटर के ऊपर वाली पहाड़ियाँ ही हैं। लेकिन पाकिस्तान कंट्रोल कश्मीर का ऑल्टीट्यूड इतना ऊपर नहीं है और इस वजह से एक ही समय पर दो अलग अलग जगह पर सर्जिकल स्ट्राइक करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। सो अब हमें बनाना पड़ेगा पीओके को अक्वायर करने का स्ट्रेटेजी नंबर 5, हाइब्रिड वॉर, यानी कि सॉफ्ट टेररिज्म। अब दरअसल हाइब्रिड वॉर मिलिट्री, आर्थिक, साइबर और इंफॉर्मेशन का एक वॉरफेयर होता है, यानी इन सब तरीकों से हम अपने एनईबी पर अटैक कर सकते हैं। अब इसमें से जो फर्स्ट चीज इंडिया कर सकता है वो ये है कि इंडिया सारे शिया मुस्लिम कंट्रीज की मदद ले सकता है और साथ ही पाकिस्तानी सरकार के अगेंस्ट जा रहे बलूचिस्तान को आंदोलन करने में इंडिया मदद कर सकता है। लेकिन इस टेक्निक के एडवांटेजेस क्या है? वेल, ये करने से पाकिस्तान में राजनीतिक उथल पुथल हो जाएगा और इसी का एक वीक गवर्नमेंट का फायदा उठाकर इंडिया पीओके पर अपना राज कर सकता है। अब ये प्लान सॉर्ट ऑफ एक सॉफ्ट टेररिज्म की कैटेगरी में फॉल होता है, लेकिन इंडिया तो अपने उसूलों का बहुत पक्का है और ऐसे हरकतें यानी कि टेररिज्म को बढ़ावा देना इंडिया नहीं करता है। लेकिन इसके अलावा भी एक रीजन है कि ये प्लान शायद फेल हो सकता है, क्योंकि जब अमेरिका जैसा पावरफुल देश भी ये पैंतरा अफगानिस्तान पर आजमा कर असफल रह चुका है तो चांसेस है कि हम भी इतने सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो इसीलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्ट्रेटेजी पे, एकदम ब्रांड न्यू और हाई टेक प्लान, स्ट्रेटेजी नंबर 6, ग्रे वॉर। अब इंडिया रिसेंटली ही इस तरीके की युद्ध नीति यूज कर रहा है। ग्रे वॉर का मतलब ये होता है कि अपने पॉलिटिकल एजेंडाज या फिर गोल्स को ध्यान से डिजाइन करके उन एजेंडाज को नॉन मिलिट्री तरीकों से पूरा करना। इसे प्लानिंग फ्रॉम बिहाइंड द सीन्स भी कहते हैं। लेकिन इसे एग्जीक्यूट किस तरीके से किया जाए? वेल, सबसे पहले तो इंडिया को अपनी अच्छाई का प्रचार इस तरीके से करना होगा कि दुनिया को लगे कि इंडिया एक बहुत ही अच्छी कंट्री है। लेकिन वही दूसरी तरफ पीओके में हो रहे लोगों पर अत्याचार और पाकिस्तान द्वारा ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन भी इंडिया को ही सबके सामने रखना होगा, स्पेशली यूएन के सामने। लेकिन वेल, इससे क्या होगा? वेल, ऑब्वियस है, इंडिया की तरक्की और पाकिस्तान की बदनामी। अब यह देखकर ऑब्वियस ही बात है कि पाकिस्तान के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस चुप नहीं रहेंगे, क्योंकि उन पर भी उंगलियां उठेंगी और वो इंडिया में आतंक फैलाने की काफी सारी कोशिशें करेंगे। अब यहाँ पर ऐसे समय पर इंडिया को बहुत सतर्क होना पड़ेगा, इनके हर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज को अच्छे से मॉनिटर करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। और फिर जब इंडिया कुछ भी ऑब्जर्व करता है तो ये बात इंडिया जाके यूएन को या फिर बाकी सारे कंट्रीज को बता सकता है, जिसकी वजह से ये होगा कि आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के हर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिए जाएंगे और जिसके बाद यूएन उन्हें ब्लैकलिस्ट कर उन पर सैंक्शन भी लगवा सकती है। अब इससे ऑब्वियस ही बात है कि इंडिया में टेररिज्म बहुत कम हो जाएगा, लेकिन इसका एक और फायदा है, ये देखो, एक रिलीजियस मिलिटेंसी हमने पाकिस्तान के हक में यहाँ इंट्रोड्यूस की सोवियट्स को निकालने के लिए। ठीक है, हम मुजाहिदीन लाए पूरी दुनिया से, हमने तालिबान को ट्रेन किया, उन्हें वेपन्स दिए, उनको अंदर भेजा। पाकिस्तान का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है
तो ऑब्वियसली बात है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस गिरे, पाकिस्तान का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी गिरा। इनफैक्ट ये वन ऑफ द मेजर रीजंस है कि क्यों पाकिस्तान इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करता है, उन्हें पालता है। इस टॉपिक पे हमने एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, अगर आपको ये वीडियो देखना है तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। लेकिन अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, पाकिस्तान इतने आसानी से तो पीओके को नहीं देगा, और सिर्फ सच्चाई सामने लाने से और इंटरनेशनल पाबंदियां लगाने में बहुत टाइम भी लग जाएगा और इससे प्रोग्रेस भी बहुत स्लो हो जाएगा। प्लस इसमें जो दूसरा मेजर प्रॉब्लम है वो ये है कि इस वजह से इंडिया पर टेररिस्ट एक्टिविटीज होने के चांसेस बहुत बढ़ सकते हैं। और इसीलिए हम आते हैं हमारे लास्ट तरीके पर, हमारे ब्रह्मास्त्र पर, स्ट्रैटेजी नंबर 7, मिक्स्ड वॉर। इस वॉर में बेसिकली हम अलग अलग चीजों को एक साथ करेंगे। नंबर 1, स्टॉप इंडिया पाकिस्तान ट्रेड कम्प्लीटली। अब पुलवामा अटैक के बाद जब इंडिया पाकिस्तान की ट्रेड पर रिस्ट्रिक्शंस डाल दिए गए थे, तब पाकिस्तान का एक्सपोर्ट 97.18% से कम हो गया था और इम्पोर्ट 60% से कम हो गया था। इसी के साथ इंडिया ने अपना मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस पाकिस्तान के ऊपर से निकाल दिया और 200% का कस्टम टैक्स पाकिस्तानी चीजों पर लगा दिया। अब इस चीज का इंडिया पर तो इतना नहीं पर पाकिस्तान पर बहुत बुरा असर पड़ा। नंबर 2, स्टॉप वाटर ऑफ पाकिस्तान। इंडिया पाकिस्तान के बीच हुए इंडस वाटर ट्रीटी के हिसाब से इंडिया जम्मू और कश्मीर के 13.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में अपना खुद का एक इरिगेशन लैंड डेवलप कर सकता है, लेकिन इसमें से हमने अब तक सिर्फ 6.42 लाख स्क्वायर किलोमीटर यानी कि 50% लैंड ही सिर्फ अभी तक डेवलप किया है। इसके अलावा इस ट्रीटी के हिसाब से हम रवि, पीएस और सतलज जैसे नदियों से आने वाले 3.60 मिलियन एकड़ फीट के पानी को तक स्टोर कर सकते हैं, लेकिन हमने अब तक कुछ भी नहीं किया है। और ये सारा पानी जाता कहाँ है? पाकिस्तान। और इसीलिए हम इस ट्रीटी के हिसाब से इन सारी नदियों का पानी को पाकिस्तान जाने से पूरी तरह से रोक सकते हैं, और वो भी माइंड यू लीगली। नंबर 3, यूएन सैंक्शंस। सारी दुनिया के सामने पाकिस्तानी फंड टेररिज्म का पर्दाफाश करना और यूएन की मदद से इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को ब्लैकलिस्ट करना, उन पे सैंक्शंस डालना, जिससे ऑफ कोर्स जैसे मैं आपको पिछले पॉइंट पे ही बताया, पाकिस्तान का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पूरी तरह से गिर जाएगा। नंबर 4, चाइनीज सपोर्ट। चाइना के साथ बातचीत के जरिए ये साबित करना होगा कि पीओके ये इंडिया का एक इंटरनल मैटर है, और अगर चाइना इस पर दखलंदाजी नहीं करता है तो इंडिया भी ताइवान के इशू पर कोई आवाज नहीं उठाएगा। सॉर्ट ऑफ चाइना के साथ हाल बढ़ाने की कोशिश करना, नेगोशिएट करना। एंड फाइनली हमारा लास्ट ब्रह्मास्त्र, नंबर 5, सर्जिकल स्ट्राइक। पाकिस्तानी फंडेड मिलिटेंसी को खत्म करने के लिए और भारत की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उरी जैसे स्ट्राइक्स करना, जिससे हम पीओके पर अपना कब्जा जमा पाएंगे। अब अगर इंडिया ये सब करता है तो पाकिस्तान पर एक तरफ का प्रेशर आ जाएगा और पीओके को हासिल करना इंडिया के लिए मुमकिन हो सकता है। अब यहाँ पर फ्लॉलेस ऑब्वियस सी बात है, कहना तो मुश्किल है क्या होगा, इसका नतीजा क्या आएगा, बट इंडिया ने ये स्ट्रैटेजी सॉर्ट ऑफ यूज करना ऑलरेडी शुरू कर दिया है। इंडिया ने बार बार पीओके को लेकर रिसेंटली कुछ सालों में यूएन में चर्चा करना शुरू कर दिया है। Regrettably, this is not the first time the leader of Pakistan has misused platforms provided by the UN. India ne Pakistan ko unke hue attacks par jawab dena bhi shuru kar diya hai. So ab yahan par sawal ye aata hai ki aapko kya lagta hai? In sare strategies jo maine aaj aapko bataye, usme se India ko kaun si strategy use karni chahiye? कौन सी स्ट्रैटेजी सही मायने में इंडिया को पीओके को हासिल करने में हेल्प करेगी? और आपके जो भी ओपिनियंस है मेरे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करना, आई वुड लव टू नो। अगर आपको आज की वीडियो से कुछ भी सीखने मिला, इसमें थोड़ी सी भी बात लगी, तो इसे जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना, और ऐसे ही और वीडियोस देखते रहने के लिए मेरे चैनल गैजेट प्लस वन को सब्सक्राइब कर दो और वो नीचे दिया गया बेल आइकन भी दबाना विद ऑलवेज का ऑप्शन ऑन, वरना आप प्लान की नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन को मिस कर दोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।